हेलो फ्रेंड, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और मैं आज अपने इस वीडियो में, ये हमारा एक एनिमेटेड वीडियो है जिससे कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगी कि हमारी जो इंजेक्शन मोल्ड मशीन होती है वो किस तरह से वर्क करती है। और आज मैं आपके लिए अपने इस एनिमेटेड वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्ड मशीन। ये हमारी स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्ड मशीन है। ये हमारा जो प्रोडक्ट हमने इसमें बनाएंगे वो प्रोडक्ट का व्यू है, किस तरह का हमारा प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा। ये इसकी इजेक्शन सिस्टम असेंबली है। ये इजेक्टर पिंस लगी हुई हैं, जो ये हमारा मूविंग हाफ होता है। ये हमारा स्क्रू प्लेट, ये हमारा यहाँ से हॉपर है, हॉपर में रॉ मटेरियल हमारा फिल होता है। ये प्री हीटर्स हमारे इसके ऊपर लगे होते हैं, जिसके अंदर ये बैरल है, बैरल के अंदर हमारा स्क्रू है। और स्क्रू जो होता है हमारा वो तीन जोन में डिवाइडेड होता है, जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। एक ये हमारा जो है जहाँ से हमारा मटेरियल फीड होता है, ये हमारा फीड जोन कहलाता है। इसके बाद हमारा ये ट्रांजिशन जोन और ये मीटिंग जोन, तीन पार्ट में हमारा जो स्क्रू है वो डिवाइडेड होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। यह आगे हमारा बल्ब लगा होता है। रॉ मटेरियल हमने पैलेट फॉर्म में इसमें यूज़ करते हैं, और जो मेल्ट होता है प्रीटर्स द्वारा, और मेल्ट होने के बाद हमारा आगे पास होता है। यहाँ पर हमारा नोजल होता है, नोजल से आगे हमारा जो मोल्ड लगा हुआ है कैविटी है, यहाँ पर हमारा रजिस्टर रिंग होता है। रजिस्टर रिंग से ये हमारा स्क्रू बनता है, स्क्रू से हमारा ये कैविटी है जहाँ पर हमारा जो आर्टिकल हमने अभी आपको दिखाया था वो फिल होता है। ये इंजेक्ट हुआ एक बार में मटेरियल, हमारा मेल्ट मटेरियल जो इंजेक्ट हो रहा है ये कैविटी में इंजेक्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कूलिंग करते हैं। ये कूलिंग यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ब्लू कलर से जो है वो कूलिंग अरेंजमेंट होता है मोल्ड के अंदर, जिससे हम क्या करते हैं इसमें जो आर्टिकल हमारा उसको हम कूल करते हैं। कूल करने के बाद जो हमारा मूविंग हाफ होता है वो पीछे की तरफ रोटेट हुआ है। ये हमारा इजेक्टर ग्रेट, ये इजेक्टर रॉड होती है। इजेक्टर रॉड, ये हमारी बैक प्लेट और रिटेनिंग प्लेट लगी हुई है, जो क्या करती है जैसे ही पीछे जाता है, आपने देखा अभी कि ये प्रोडक्ट को क्या करती है, हमारी इजेक्ट करने का काम कर रही है इस तरह से। ये क्या करती है, सॉलिड जो हमारा मटेरियल जो होता है, जब कैविटी फिल हो जाता है सॉलिडिफाई होने के बाद, ये इजेक्टर पिंस क्या करती हैं उसको इजेक्ट करने का काम करती हैं। इस तरह से हमारी जो है प्रोसेसिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा हम करते हैं, और कंटिन्यूसली यही जो है प्रोसेस हमारा रिपीट होता है। मटेरियल स्क्रू द्वारा इंजेक्ट होता है कैविटी में, कूलिंग होती है, कूलिंग के बाद हमारा जो हाफ होता है वो ओपन होता है और इसको हम इजेक्ट करते हैं।